नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी जिसकी नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से खुद को मजबूत बनाने की कोशिशों में भी जुटी हुई है। जी हाँ, जहाँ एक तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जनता के दिलों को छू रहे हैं, जनता से वह जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहाँ पर तमाम कोशिशों के बाद अब कांग्रेस ने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल की है। जी हाँ, कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में जीत हासिल कर चुकी है और वहीं गुजरात में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सफलता के परचम लहराती हुई नजर आई। प्रचंड जीत और पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आई, लेकिन अब यहाँ पर सभी की निगाहें टिकी हुई है राजस्थान के सियासी संकट के साथ साथ मध्य प्रदेश के सियासी संकट पर भी। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस में कलह देखने को मिल रही है। बीते कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश पहुंची थी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उस वक्त उन्होंने गले मिलाया था प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को, लेकिन दोनों के बीच काफी ज्यादा आपसी कलह की खबरें सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर मोदी कैबिनेट से बीजेपी के युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। दावा ये किया गया, जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया मध्य प्रदेश में, उनकी महज वो कही गई एक लाइन चर्चा का विषय बन गई और कांग्रेस ने यहाँ पर संकेत दे दिए कि ये घर वापसी के संकेत है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी में वापसी करना चाहेंगे? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक आजादी चाहते थे। कांग्रेस खेमे से निकलकर वह देश के लिए काम करना चाहते थे। साल 2019 में रातों रात उन्होंने ये फैसला लिया और वह बीजेपी से जुड़ गए। आज वह बीजेपी का हिस्सा है, उड्डयन मंत्री के तौर पर उन्हें जाना जाता है और दावे अब ये किए जा रहे हैं कि साल 2023 में विधानसभा चुनाव जो होंगे कहीं ना कहीं सीएम पद के लिए उन्हें आगे किया जा सकता है। लेकिन इसी बीच अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दरअसल आपको बता दें, शिवराज सिंह चौहान को लेकर तमाम खबरें सामने आ रही हैं, बदले बदले से नजर आ रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। दरअसल आपको बता दें कि हमेशा ही वह जिस तरीके से यहां पर हुंकार भरते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब देखा जाए तो वह काफी बदले बदले नजर आ रहे हैं। बीजेपी सरकार को मध्य प्रदेश में काबिज हुए 20 साल पूरे होने वाले हैं और शिवराज सिंह चौहान के सिर पर सत्ता का ताज 18 साल से सजा हुआ है। ऐसे में देखा जाए तो अब यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी आगे आ रहा है। स्टेज पर सीएम का एक अलग और बदला बदला सा अंदाज अब देखने को मिला। दरअसल आपको बता दें, किसी मैनेजमेंट गुरु की तरह घूम घूम कर लोगों से मुखातिब वह हो रहे हैं और अपनी छवि को सीएम यहां पर काफी ज्यादा छवि को लेकर कंफ्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उनके किसी कार्यक्रम में संबंधित मंत्री या जिले का प्रभारी मंत्री साथ नजर नहीं आता है और पूरी कैबिनेट इत्मीनान से अपने कमरों में बैठी है और यहाँ पर सीएम खुद चेहरे को हाईलाइट करना चाहते हैं। साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पूरी जिम्मेदारी सीएम के सिर पर आ चुकी है और मंत्रियों का फील्ड में निकलना तो दूर, बल्कि अपने प्रभार वाले जिलों तक वह नजर नहीं आ रहे। मंत्रियों के चेहरे तो गायब है ही, लेकिन कभी कांग्रेस की जीत पर पोस्टर बॉय बन चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया तक भी नजर नहीं आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ नजर नहीं आए हैं और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहाँ पर तमाम अटकलें शुरू हो चुकी हैं। तो क्या मंत्रियों के बीच यहाँ पर नाराजगी देखने को मिल रही है या फिर खुद सीएम उन्हें पीछे रखना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यहाँ पर है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, जिनके युवा चेहरे और ऊर्जा का कहीं कोई इस्तेमाल होता हुआ दिख नहीं रहा है। सिंधिया को चुनावी मैदान से दूर रखा गया और ये फैसला उनका खुद का रहा, इस पर भी मंथन जरूरी है। और ऐसे में देखा जाए तो आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कुछ चाहते हैं? क्या वाकई में ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर कांग्रेस में वापसी करेंगे? क्या वाकई में राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने खेमे में बुलाने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे? खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहीं ना कहीं सीएम पद के लिए साल 2023 में बीजेपी आगे कर सकती है। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। लेकिन आपको याद दिला देते हैं कि राहुल गांधी ने यह भी कहा कि
कुछ ऐसे नेता रहे जो यहाँ पर बीजेपी में शामिल हुए, भ्रष्टाचार का आरोप वह लगाते हुए नजर आए और खरीद फरोख्त की गई थी यहाँ पर कुछ नेताओं की, इस तरीके के दावे किए गए। आपको याद दिला दें कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, उनके बाद कांग्रेस के तकरीबन 35 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और तब कमलनाथ जी की सरकार गिर गई थी। देखना दिलचस्प होगा कि साल 2023 में आखिरकार किसकी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।